हमारे सियावर रामचंद्र जी अयोध्या में विराजमान हो गए हैं और मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि नेक्स्ट जो वीडियो लेकर आऊंगी वो भगवान राम से ही रिलेटेड लेकर आऊंगी, यानी कि मैं आपको ऐसी फिल्म के बारे में बताने वाली हूँ जो हमारे अयोध्या वाले राम जी से ही जुड़ी हुई है। यानी जहाँ पर राम आते हैं वहाँ पर रामायण का जिक्र ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। नहीं नहीं, मैं आदि पुरुष की बात नहीं कर रही हूँ। आदि पुरुष ने तो हम सबको बहुत निराश किया था, इतना बड़ा बजट होकर भी उन्होंने हमारे दिल में जगह नहीं बना पाई। लेकिन अब एक नई रामायण आ रही है आदि पुरुष को मात देने के लिए, और उस रामायण में आप सोचिए राम कौन हो सकते हैं, अंदाजा लगाइए। चलिए कोई बात नहीं, मैं इस राज से खुद ही पर्दा हटा देती हूँ। उसमें राम की भूमिका निभा रहे हैं हमारे एंग्री यंग मैन जो अभी अभी एनिमल में आए थे कुल्हाड़ी से सबको काटते हुए, वो अब राम का किरदार निभाएंगे। तो इस नई रामायण में कौन कौन किस किस भूमिका में है, हीरोइन कौन है यानी हमारी सीता माता कौन है, रावण की भूमिका कौन निभा रहे हैं, कुंभकर्ण कौन है और कौन कौन से मुख्य किरदार हैं इसमें, ये सब कुछ मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए जानते हैं हमारी इस रामायण में क्या नया होगा, क्या कुछ नया ऐड किया जाएगा, क्या कुछ पुराना इसमें मिक्स किया जाएगा, और साथ ही साथ आप देखिए कि मैंने भी कैसे सियावर राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने के उपलक्ष्य में अपने घर में छोटी सी दिवाली मनाई, अपने मन की खुशी जाहिर करी और राम जी का वेलकम अपने तरीके से किया। तो 22 जनवरी हमारे पूरे भारत के लिए, क्या वर्ल्ड के लिए एक नया इतिहास रचने को तैयार था, यानी कि हमारे सियावर रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी। तो हर तरफ हर्षोल्लास था, पूरे भारत में फिर से दिवाली मनाई गई और मैंने भी अपने घर में दिए जलाकर दिवाली मनाई, पूरे इंडियन तरीके से रेडी हुई और पटाखे छुड़ाए। तो रणबीर कपूर के राम जी का AI लुक भी दिखाया गया और बहुत ही सुंदर लग रहा था। और वैसे देखा जाए तो आप इमेजिन करके देखें तो रणबीर कपूर राम के लिए बिल्कुल परफेक्ट भी बैठते हैं। उनका जो लुक है, उनका जो फेस कट है, उनकी जो ब्यूटी है वो सब राम की जैसी लगती है, यानी कि अगर वो एक सौम्य किरदार में आते हैं तो दिल में उतर जाएंगे। तो इस रामायण में क्या होगा खास, क्या होगा स्पेशल, कितना होगा यूनिक, कितना बजट है, ये सब डिस्कस करने की बातें हैं और ये सब हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो धीरे धीरे मैं आपको रिवील करती जाऊंगी। लेकिन एक शिकायत आपसे है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो गाइस, आपके सब्सक्राइब करने से, आपके कमेंट्स करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और किसी को सपोर्ट करने से कुछ नुकसान नहीं होता। तो इस रामायण को डायरेक्ट करेंगे नितेश तिवारी, एक्टर को चुना गया था वो रणबीर कपूर फाइनल किए गए और एक तरह से ये ठीक भी है। मुझे तो पूरी उम्मीद है कि राम के रूप में वो पूरा जस्टिस कर पाएंगे। बहुत सी मूवी में उन्होंने रोल के हिसाब से अपना गेटअप चेंज किया और बिल्कुल परफेक्ट बैठे हैं। चाहे आप संजू की बात कर ले, चाहे आप एनिमल की बात कर ले, अपने आप को चेंज करके हमारे दिल में जगह बनाई है और बिल्कुल रियल हीरो जैसे दिखे हैं। तो इसमें तो हमारे भगवान का किरदार वो निभा रहे हैं, तो मेहनत तो वो करें। रणबीर कपूर का लुक इतना सौम्य है, इतना सादा है कि वो राम की भूमिका में बिल्कुल परफेक्ट बैठते हैं। और इसके अलावा इसमें सीता माता साई पल्लवी होंगी और लंकेश यानी रावण का किरदार निभाएंगे KGF फेम रॉकी भाई यानी कि यश, और रावण के किरदार में बिल्कुल फिट होते हैं ये। अब कुछ और मुख्य किरदारों की बात की जाए तो हनुमान को हम भूल नहीं सके। तो हनुमान के रूप में हमारे सामने आएंगे सनी पाजी यानी कि सनी देओल, और उम्मीद तो यही है कि फिल्म को नरेट भी वही करेंगे क्योंकि हनुमान कहीं गए नहीं है, हमारे बीच में ही है। ये देखना काफ़ी रोमांचक होगा कि पाकिस्तान को अपनी दहाड़ से डराने वाला, हैंडपंप को उखाड़ने वाला जब अपनी पूछ से लंका में आग लगाता है तो वो सीन कितना दमदार होगा। मतलब मज़ा तो आएगा, सनी पाजी को ऐसे रोल में देखना एक नया एक्सपीरियंस होगा। और कुंभकर्ण के लिए बॉबी देओल का नाम सामने आया है, यानी कि दोनों ही भाई इस फिल्म में होंगे। और विभीषण को हम कैसे भूल सकते हैं, तो विभीषण के लिए विजय सेतुपति का नाम सामने आया। अब देखते हैं कि वो अपने क्यूट से तरीके से डायलॉग जब बोलते हैं तो कैसे लगते हैं। ये रामायण दो पार्ट में आएगी और इसकी शूटिंग स्टार्ट होगी फरवरी से और अगस्त तक इसकी कंप्लीट
शूटिंग होने की उम्मीद है और इसकी जो VFX है वो इतने शानदार होंगे क्योंकि ब्रह्मशास्त्र फिल्म की कंपनी है DNEG जो कि इसका VFX देगी और ऑस्कर विनिंग हो सकती है। और एक और न्यूज़ है कि निर्देशक, क्योंकि ये एक कहते हैं कि अभी का ट्रेंडिंग समय चल रहा है जबकि प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, तो इसको त्रेता युग से भी जोड़ा जाए। अयोध्या में जो राम मंदिर तैयार हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उसको भी इस फिल्म में कनेक्ट किया जाएगा। अब ये उनकी समझदारी है, उनकी कलाकारी है दिमाग की, कि वो दोनों ही युगों को कैसे जोड़ते हैं, कैसे रिकनेक्ट करते हैं। और अगर वो सही तरीके से हो गया तो इस फिल्म को रिकॉर्ड तोड़ने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि इससे पहले जो रामायण आई थी, आप आदि पुरुष को भूले तो नहीं होंगे, उसमें भी बहुत बड़ा बजट था, बहुत अच्छे VFX डाले गए थे, लेकिन वो फिर भी हमारे दिल में जगह नहीं बना पाई थी। लेकिन इस फिल्म में उम्मीद तो यही है क्योंकि बजट इसका भी बहुत शानदार है, 700 करोड़ का बजट लेके चल रहे हैं। लेकिन शूटिंग कंप्लीट होने तक क्या बजट फाइनल रहता है ये तो बाद में ही पता लगेगा। अब उनकी मेहनत कितनी रंग लाती है ये तो जब हम थिएटर में फिल्म देखने जाएंगे तब पता लगेगा। आप भी अपनी राय मुझसे जाहिर कीजिए कि क्या आपको रणवीर कपूर राम के रूप में पसंद आएंगे, क्या सीता माता आप कोई और हीरोइन को देखना चाहते थे, या रावण के रूप में आपकी पसंद कोई और है, सब कुछ आप कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं, नहीं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी मुझे DM कर सकते हैं। तो हम सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं रामायण का, आप भी इंतज़ार कर रहे होंगे, बस अपनी पसंद कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि कौन कौन किस किस को किस किस भूमिका में देखना चाहता है। मैं तो खैर रणवीर कपूर को ही देखना चाहती हूँ राम के रूप में, रॉकी भाई से भी बड़ी उम्मीदें हैं, तो देखते हैं कौन कैसा न्याय करता है अपने रोल के साथ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी किसी नए अवतार के बारे में बात करने के लिए। चलिए आप सोचना शुरू कर दीजिए मैं कौन से अवतार की बात कर रही हूँ। थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए। बाय बाय।